हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हेलो, माय नेम इज मुस्कान अग्रवाल। मी अलोंग विद माय टीम टीचर्स ऑल फ्रॉम क्लासेस 9 टू 12 ऑल सब्जेक्ट्स। सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने ऑलरेडी एक सीरीज चालू की है जिसमें हम 10 12th की एक एक मिनट की छोटी सी आपको टिप्स देंगे पूरे आपके बोर्ड एग्जाम्स तक, ताकि अगर आप स्क्रॉल करते करते एक मिनट भी अगर पढ़ाई के लिए निकालते हैं तो वो सफिशियंट होगा, जिसमें हम आपको एक मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं। तो वो डेली वीडियोज हमारी आती है बोथ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, तो आप यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन में जाके वो वीडियोज को देख सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ। इसके बाद हमारे इकोनॉमिक्स का डिटेल्ड सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, फिर मैं आप लोग को सैंपल पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे चीजें प्रैक्टिस कराऊंगी। एंड ऑफ कोर्स जो लोग वो डिटेल वीडियो नहीं देखते हैं, जिनको पढ़ने में लिखाई में मतलब खाली ओवरव्यू मिल जाए चैप्टर का, बस यही चाहते हैं, तो उनके लिए भी अलग वीडियोस आएंगे, 5-5, 6-6 मिनट, 7-7 मिनट की। मैं कोशिश करूंगी एक एक चैप्टर कंप्लीट करने की। अभी थोड़ी डिटेल में वीडियोस चली जा रही है 20-25 मिनट की, आधी घंटे की। तो हमारा लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का इज ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद आपका एक और चैप्टर है, वो आपका है प्रोजेक्ट वर्क। तो आते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ। देखो, व्यापार ट्रेड मेन ना सारा मुद्दा ही है पैसे का, ठीक है। आदमी व्यापार क्यों करता है, ट्रेड क्यों करता है, भाई पैसे के लिए। तो जो लोग अगर हम लोग इंटर कंट्रीज ट्रेड करेंगे, विच इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा जो इनकम लेवल है, कंट्री का जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा। अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट मतलब जब हम अपनी कंट्री से सामान किसी और कंट्री को बेचते हैं और बदले में वो कंट्री हमें पे करती है, वो कहलाएगा एक्सपोर्ट। और जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से कुछ चीज परचेज करती है और हम उनको पे करते हैं, तो ये चीजें कहलाती है इंपोर्ट। तो आई होप आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियर हो गया होगा क्या होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने रशिया को, इंडिया ने रशिया को चावल एक्सपोर्ट के चावल बेचे, तो रशिया उसका पेमेंट करेगी। बदले में इंडिया ने रशिया से कुछ टेक्सटाइल्स ऑर्डर किए या चाइना से टेक्सटाइल ऑर्डर किए, तो इंडिया उनको पे करेगी, सो दैट इज इंपोर्ट। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के खेल में क्या चीज करने से देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। आप क्लास 9 में ऑलरेडी जानते हो कि जीडीपी होती क्या है, ठीक है। तो देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, उसकी करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, आप जितना अपनी दुकान से माल बेचोगे, सामान बेचोगे, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। अगर आप दुकान से सामान बेचोगे नहीं, सिर्फ खरीदते जाओगे, तो आपकी अर्निंग कैसे होगी, ठीक है। तो आप जितना खरीद रहे हो उससे ज्यादा आपका माल बिकना भी चाहिए। सेम हैपेंड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में इतनी गरीबी क्यों है, वो सिर्फ इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, करता ही नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्लियर हो गया होगा। ट्रेड मतलब होता है कि बिजनेस। एंड नाउ विल कम टू प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। देखो, कोई भी चीज का आप ट्रेड करोगे, बिजनेस करोगे, तो उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, जितनी डिमांड है, डिमांड जितनी है, चाहे वो अक्रॉस द कंट्री हो, चाहे वो अक्रॉस द नेशन हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे इंटर कंट्रीज में हो, डिमांड अगर ज्यादा है तो उससे कई गुना ज्यादा, यानी कि 2x हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। आप ये इमेजिन करो कि आप किसी दुकान में गए, ठीक है। उस दुकान में अगर आपके मनपसंद मान लो आप कपड़ा खरीदने गए, ठीक है, एक नई नई दुकान खुली है, ठीक है, उस नई मान लो एक्स वाई जेड दुकान का नाम है, और इस कपड़े की दुकान में आप दिवाली शॉपिंग के लिए गए। अब ये नई कपड़े की दुकान है, अब यहाँ जाते के साथ ही अगर आपको आपके टेस्ट के कपड़े नहीं मिले, वैरायटी के कपड़े नहीं मिले, मान लो यहाँ पे आज के जमाने के जो इंडो वेस्टर्न कपड़े चल रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से कपड़े नहीं है, पुराने ओल्ड फैशन कपड़े, तो आप क्या उस दुकान में दोबारा जाओगे, नहीं जाओगे। तो प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा मायने करता है कि भाई डिमांड जो चल रही है मार्केट में, एक कंट्री, एक स्टेट या एक ब्रांड का वो मेन मोटिव रहता है कि उनके डिमांड को फुलफिल किया जाए। तो सबसे पहले ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। अब देखो, एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्या बेसिस पे कनेक्ट हो सकती है, ना हम कल्चर में सेम है, ठीक है, इंडिया और अमेरिका को अगर मैं कंपेयर करूं, ना हम कल्चर में सेम है, ना हमारी लैंग्वेज सेम है, ना हमारा लाइफस्टाइल सेम है, ना हमारे गोल्स सेम है, ना हमारे ऑक्यूपेशन सेम है, कुछ भी चीज सेम नहीं है जो कि
पर्सन को दूसरे पर्सन से कनेक्ट करे। आप एक दूसरे से कनेक्ट क्यों होगे? कुछ सिमिलैरिटी होगी। कुछ सिमिलैरिटीज अगर होगी ही नहीं तो आप कनेक्ट क्या चीज से होगे? तो ट्रेड यानी कि व्यापार ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो सकती है। अब निजी संबंध तो आदमी बनाएगा नहीं, तो ट्रेड ही एक ऐसा मेन चैनल है, एक ऐसा साधन है जिससे एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो सकती है। और ये कनेक्शन का सोर्स क्या है? आप और मैं नहीं है ये कनेक्शन का सोर्स। ये कनेक्शन का सोर्स होते हैं MNCs, which are multinational corporation, यानी कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल गूगल, गूगल में भले ही उसका हेड ऑफिस यहाँ इंडिया में नहीं है, हेड ऑफिस अमेरिका में है, लेकिन इंडिया के बहुत सारे लोग गूगल ऑफिस में काम करते हैं। सेम एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अमेरिका में होती है, लेकिन सेल्स बहुत ज्यादा इंडिया में होती है, एंड अमेरिका अच्छा खासा रेवेन्यू कमाता है इंडियन मार्केट से। ठीक है, तो यही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस मेजर रोल प्ले करते हैं ट्रेड में, एक कंट्री के ट्रेड को बूस्ट करने में MNCs मेजर रोल प्ले करते हैं। MNCs सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट अ चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। देखो, अब पैसा बचाना किसको अच्छा नहीं लगता? तो आप अगर फैक्ट्री डाल रहे हो, आप अगर अपना प्रोडक्शन यूनिट डाल रहे हो, तो आप वही डालोगे जहां आपको सस्ते में लेबर मिलेगा और ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे। अगर आप कोल का काम करना चाह रहे हो तो आप कोरबा में करोगे, ना कि पहाड़ वाले एरिया में। ठीक है, तो जहां पे आपको चीप में लेबर्स भी मिले, चीप में सारे रिसोर्सेस मिले, आदमी वहीं पे अपना काम या फैक्ट्री सेटअप करता है। तो आप आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मनी स्पेंड ऑन बाइंग एसेट। सीधी साफ बात, आपको एसेट लाइबिलिटी पता होनी चाहिए। एसेट मतलब होता है, जैसे कि पुराने जमाने में कहते हैं लड़के एसेट है, लड़कियां जो आपको बदले में कुछ रिटर्न दे। ठीक है, और लाइबिलिटी जो आपके ऊपर बोझ हो। ठीक है, उधार वो हम लोग लाइबिलिटी कहते हैं। और जैसे कि आपकी दुकान, आपका काम क्या है, आपके लिए एसेट है, लेकिन वही आपका लोन आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो आप जो मनी एसेट खरीदने में लगा रहे हो, होती है इन्वेस्टमेंट। आपने SIP करा ली, आपने FD करा ली, आपने फैक्ट्री खोल ली, आपने दुकान खोल ली, आपने दुकान में सामान भर लिया, ये सारी चीजें किसके अंदर में आएंगी? इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगी। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs। देखो, आप और मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते अंटिल एंड अनलेस यू आर अ ट्रेडर। आप स्टॉक मार्केट में हो, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? हमारे तो भाई बहुत मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टाटा बिरला जैसे चल नहीं रहे। तो जो इन्वेस्टमेंट MNCs करती है ओवर द सीज, उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं कि MNCs अपने आप को स्प्रेड कैसे करती है। भाई, अगर आप फॉरेन से आ रहे हो, फॉरेन कोई कंट्री है, वो कैसे अपना मार्केट यहाँ पे एक्सपेंड करेगी, उसको अब हम पढ़ते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हीरो होंडा का बहुत ही फेमस व्हीकल ब्रांड है, आपने सुना होगा। एक और है मारुति सुजुकी, इसकी स्विफ्ट डिजायर कार वगैरह आती है, तो ये सब आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस व्हीकल ब्रांड है। तो उन्होंने कैसे किया मैं बताती हूँ। जैसे कि हीरो जो थी वो इंडिया की ही कंपनी थी। अब हीरो का मार्केट अच्छा खासा था इंडिया में, ठीक है, और लेकिन होंडा जो थी वो जापानीज कंपनी थी, तो होंडा को इंडिया में अपना मार्केट बनाना था। तो होंडा ने क्या किया, हीरो के साथ जोड़ लिया अपना नाम, ठीक है, और हीरो के साथ पार्टनरशिप कर ली। अब हीरो होंडा यानी कि जापान की टेक्नोलॉजी हीरो को मिल गई, और हीरो ने जो मार्केट इंडिया में कैप्चर किया था उसका फायदा जापान को मिल गया। तो इन दोनों ने क्या किया, पार्टनरशिप कर लिया, और अब हीरो होंडा बहुत ही बड़ा ब्रांड बन गया। सेम हैपेंड विद मारुति सुजुकी। सुजुकी जब इंडिया आना चाह रही थी तो उसने टारगेट किया मारुति को, मारुति का अच्छा खासा पकड़ था मार्केट में। फिर धीरे धीरे करके सुजुकी ने अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की मारुति को, मारुति को लगा कि इनकी टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे, अगर मैं इनके साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगा तो मेरा ही नुकसान है। और मारुति ने सुजुकी के साथ पार्टनरशिप कर लिया, एंड दे बिकेम वन ऑफ द मोस्ट लवेबल लो रेंज कार इन इंडिया। ओके, तो ये थी स्टोरी। तो अब आपको आइडिया आ रहा होगा कि MNCs कैसे अपना स्पेंड करती है मार्केट को, स्प्रेड करती है मार्केट को, बाय सेटिंग अ पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। देखिए, जैसे हमने हीरो होंडा का एग्जांपल देखा, मारुति सुजुकी का एग्जांपल देखा, कि भाई
लोकल जितनी भी कंपनी है उनके साथ पार्टनरशिप कर लो बाय यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई। हम आपको अपनी टेक्नोलॉजी, जो होंडा और सुजुकी ने किया कि हम आपको अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, बदले में आप हमको अपना सप्लाई चेन दो। ठीक है, सप्लाई चेन बिल्डअप करना इज नॉट ईजी। आप प्रोडक्शन कर ले रहे हो लेकिन अगर आपका माल बिकेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे? तो सप्लाई चेन का यूज करना, क्लोजली कंपीटिंग विथ लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप। अब जैसे कि या तो क्लोजली आप कंपीट कर लो, अगर नहीं कंपीट कर पा रहे हो तो खरीद लो। ठीक है, तो कंपनीज बाय सेल होती रहती है, तो या तो एमएनसीज क्या करती है, वहां की जो फेमस कंपनी है उसको खरीद लेती है। तो अब आते हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। भाई हमने दुनिया जहां की बात कर ली, बेस देख लिया, सब हो गया, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करती हैं थ्रू ट्रेड, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटरकनेक्ट करती है उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सो नाउ विल डिस्कस द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को कैसे आग मिली और ग्लोबलाइजेशन बढ़ता चला गया। सो फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, बहुत चीजें बढ़ते जा रही है, एआई का आविष्कार हो जा रहा है, बहुत सारे एप्स ऐसे आ गए जिसमें अब आप कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पहले कम्युनिकेशन की उतनी सुविधा नहीं थी, आजकल आपको उस देश जाके मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप जूम में, गूगल मीट में, ये सब में मीटिंग्स कर सकते हो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, आप ऑनलाइन, अगर आपका कोई ऑफलाइन स्टोर भी नहीं है, आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स फॉरेन में भी बेच सकते हो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रही है, ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा लिबरलाइजेशन, यानी कि भाई जो ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे एंड जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उसको रिमूव करना, कोई भी रेस्ट्रिक्शन या ट्रेड बैरियर्स ना होना, उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब हम इससे निकलता है 1991 रिफॉर्म। अब ये क्या था? तो मेजरली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आया था वो आया था 1950s and 60s के दौर पे। ठीक है, अब इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज 1991 रिफॉर्म। ओके, तो मोस्टली जो ट्रेड बूस्ट आया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था इंडिया में, वो आया था 1950s and 60s के बीच में। तो उस समय इंडिया की हालत इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इंडिया हाल ही में देश आजाद हुआ था ब्रिटिशर्स के कब्जे से। तो इसीलिए उनकी जो इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली हालत थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो और उस समय फॉरेन ब्रांड्स लाइक जारा, बैलेंसियागा, गुची एंड एवरीथिंग विच इज फॉरेन लाइक एप्पल, दैट वॉज नॉट देयर, सिर्फ इंडियन ब्रांड्स थी। तो 1991 में हुआ क्या था, इंडिया के पास सिर्फ एक हफ्ते का पैसा बचा था भाई देश को चलाने के लिए। तो जब इंडिया गया वर्ल्ड बैंक के पास लोन मांगने, तो वर्ल्ड बैंक की एक शर्त थी, ठीक है हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन आपने जो अपने गेट्स क्लोज रखे हैं फॉरेन ब्रांड्स के लिए, उन्हें आपको ओपन करना होगा और फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया में लाना होगा। तो इंडिया ये शर्त मान गया और तभी से वो WTO का भी मेंबर बन गया एंड इंडिया ने अपने गेट्स ओपन किए, क्योंकि पता था लोगों को कि इंडियन मार्केट बहुत ही ज्यादा वास्ट मार्केट है, हम उनके अगर एड चलाएंगे उनकी फील्स को लेके, फीलिंग्स को लेके, तो इंडियंस जल्दी से क्या मैनिपुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और शो ऑफ तो इंडियंस में कूट कूट के भरा हुआ है। तो 1991 रिफॉर्म यही था कि भाई जो फॉरेन मार्केट के लिए गेट्स थे वो इंडिया के ओपन हो चुके थे और जितने भी आपके फॉरेन ब्रांड्स है, विच इज मैकडोनल्ड्स, जारा, H&M, बैलेंसियागा, गुची, प्राडा, वो सब अब इंडिया में आ चुके थे। ठीक है, तो ये था 1991 रिफॉर्म। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक होता है, हर चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एम करता है लिबरलाइजेशन में कि भाई ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करे और हर एक कंट्री का GDP बढ़े। 164 कंट्रीज आर करेंट मेंबर्स ऑफ WTO, ये आपके MCQs में आ सकता है कि अभी करेंटली कितनी कंट्रीज हैं जो कि WTO की मेंबर्स हैं। So 164 countries are currently under WTO. तो अब बढ़ते हैं आगे, बस एक दो टॉपिक आपको और बचा है, देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। चलो अब ये आखिरी दो टॉपिक हमारा बचा है जिसमें से पहला इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे आया इंडिया में, तो इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ उसको हम पढ़ेंगे।
एक तो लोगों को चॉइसेस ज्यादा मिल गई कि भाई जो ब्रांड्स हम पहले इंडिया तक के सीमित थे वो हम बाहर एक्सप्लोर, लाइक हम आईफोन यूज करना चालू कर दिए, हम जारा, गुची, प्राडा, बेलेंसियागा, लुई विटों, कहीं शनेल, कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। मेकअप की रेंज बढ़ गई लड़कियों के लिए, तो हमको इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स लो क्वालिटी लो प्राइस रेंज में मिलने लग गए। हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, देखो अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इससे बढ़ता गया। अब फेयर ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि अब व्यापार तो फेयर तरीके से होना होना चाहिए, उसमें चीटिंग तो होनी नहीं चाहिए। तो स्टेप्स गवर्नमेंट क्या क्या ले सकती है उसको हम पढ़ेंगे। लेबर लॉज निकाल सकती है ताकि लेबर के साथ कुछ इंफीरियर ना हो, कुछ उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। वर्कर्स शुड गेट देयर राइट्स, और राइट्स उनके पास भी होने चाहिए। लाइक अगर आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो तो उनको इंसेंटिव दो, और अच्छी पेमेंट रखो उनकी उनके वर्क के अकॉर्डिंग। सपोर्ट टू स्मॉल प्रोडक्ट्स, लाइक स्मॉल बिजनेस या स्मॉल प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट को उसको लोन देके, सब्सिडी देके थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट कैन यूज इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, लाइक इन्वेस्टमेंट बैरियर यानी कि एक कंपनी उतना ही इन्वेस्ट कर सकती है, एक लिमिट लगा देने का कि भाई इतना ही आप इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट में या पर्टिकुलर चीज में कर सकते हो। इट कैन नेगोशिएट विद WTO फॉर फेयर रूल्स, WTO से बात करके आप और ज्यादा फेयर रूल्स निकाल सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स होता है कंप्लीट, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।